जनसंसद लेके आया है आपको जंतर मंतर, जहां एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है जनसंसद में, जो चलो गांव की ओर के संगठन के नाम से पूरे देश के लगभग दौरा कर चुके हैं। यह हमारे साथ हैं सतीश मुखिया जी, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाले हैं। किसी सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है जंतर मंतर से कि ये अपने चलो गांव के संगठन के साथ एक घोषणा कर चुके हैं कि आने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सतीश मुखिया जी, आपका पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हाथरस लोकसभा सीट है तो वो आपका तो शायद सुरक्षित है, तो आप अपने क्षेत्र से कैसे रह सकते हैं? ठीक है, तो आपने कहा कि क्षेत्र सुरक्षित है, आप चुनाव में भागीदारी करना चाहते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को उस लोकतंत्र के अंदर भागीदारी करने का अधिकार है। और रही बात चुनाव लड़ने की और चुनाव ना लड़ने की, जैसे करना होना है अपनी, हर व्यक्ति चाहता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र में भाग। आप तो सर ने लेकिन जब आपकी सीट ही सुरक्षित कर दी गई है तो आप तो वहां से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। सीट जो सुरक्षित है, सीट तो जो लोकसभा सीट है गठबंधन से ही, और सही बात है कि आप लड़ ही नहीं सकते तो उसके लिए क्या पैटर्न है? उसके लिए एक चीज है कि या तो आप लोग बगल के डिस्ट्रिक्ट में सीट या तो मथुरा आप चेंज करिए या फिर आप अलीगढ़ चेंज करिए। अगर आप जो आपकी पैतृक सीट है, सर सबसे बड़ी समस्या हो गई कि अगर आप चुनाव लड़ने किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दूसरी विधानसभा में, तो वहां के लोग तो आपको बाहर ही कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपका कथन बिल्कुल ठीक है कि बाहर ही कहेंगे, और उसमें होता यह है कि जब आप लोग जो भारतीय लोकतंत्र है और जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार व्यवस्था दी गई है, तो पार्लियामेंट्री आरक्षण है वो लगभग 10 वर्ष के लिए आया और 10 वर्ष बाद उसको वैध होना। अगर किन्हीं कारणों से वो रिवाइज नहीं हो पाया, इससे कुछ नहीं होगा, उनको जिन व्यक्ति को चुनाव लेना चाहिए, जो समान बन के रखिए वो चुनाव लेना चाहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आपको दंश है क्या कि आप अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते और आप कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र भी है, कहीं मानवता की आजादी है, क्या इसका दंश क्या है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी प्रत्यक्ष सीट से चुनाव लड़े, मगर अगर कुछ व्यवस्था और कोशिश के अंदर उस तरह से व्यवस्था बनाई हुई आप नहीं लड़ सकते। मैंने कहा कि हम लोग कानून है और जो लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए हम लोग वही कार्य करेंगे, अपनी जनता के बीच में लेके जाएंगे और बोलेंगे कि भाई जो सीट का पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए आया था उसको एक बार रिवाइज किया। सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आपका हिंदुस्तान को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गया और आप कह रहे हैं कि आज भी आजादी है। एक ऐसा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का कि आप अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसके बाद भी कह रहे हैं कि हम आजाद हैं? आजाद तो हम हैं, आप विचारों से आजाद हैं या नहीं है तो बात है। मैंने कहा ना पार्लियामेंट्री जो रिजर्वेशन आया था वो 10 साल के लिए आया, उसको रिवाइव होना था हर 30 साल के अंदर, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का रिवाइज होता है, डिलिमिटेशन का एक आता है, मगर नहीं आया। अब देखिए क्या होता है, अभी डिलिमिटेशन आने वाला है, भारत के अंदर जो हमारी सीट है कन्वर्जन होती है, डिलिमिटेशन मतलब उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और मतलब अभी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने कहा उम्मीद लगाए बैठे, मैंने कहा उम्मीद तो नहीं लगा, तो आपसे एक मोटी बात ये कही है कि जो पिछड़ा समाज है या जिस समाज को बराबर मौका नहीं मिला उसको मौका देने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत सीटों को कुछ सीटों को आरक्षित किया गया, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो 70 साल से आरक्षित हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो अब राज्य से हम लोगों को सीटें अगर वो सीटें। एक सवाल मेरा पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन को 10 साल के लिए था, उसको रिवाइव होना चाहिए था, रोटेशन पॉलिसी आनी चाहिए थी, पंचायत में रोटेशन आ गया है मगर नहीं आया है, तो भाई हम लोगों की उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार आई है तो हम सब तक कुछ करें और हर व्यक्ति को मौका मिलेगा कि वो कम से कम अपनी सीट को चुनाव। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आपसे अभी जो
अपने संगठन के साथ पूरे देश में घूम रहे हैं और विधानसभा की जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर? मैंने क्या कहा, विधानसभा तो एक छोटा क्षेत्र है। मैंने कहा कि हम पूरा जो देश भ्रमण कर रहे हैं, हमारी जो मूलभूत गाँव के अंदर जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या जैसे बिजली सड़क पानी है, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। काम नहीं हुआ और अगर कुछ योजनाएं तो चल रही है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन लागू जो है वो सही तरीके से नहीं होता, उसमें करप्शन बहुत है। ऊपर से कोई योजना आती है मगर नीचे तक जाते जाते उसके अंदर करप्शन बहुत है। पर कहीं कहीं आप तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं और केंद्र सरकार की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको कह रहे हैं। मैंने ये विकास का जो झोरा पीटा जा रहा है पूरे देश में, हल्ला हुआ पड़ा है कि विकास की गंगा बहती जा रही है, उसमें आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। आप शब्दों को घुमाइए। मैंने ये बोला कि जो भी योजना सेंट्रल बनाई है, ऐसा नहीं है कि भाजपा पिछले साल आई तो भाजपा ने ही सारी योजनाएं बनाई। योजनाएं तो सिर्फ 1952 से बन रही है। 1952 से जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने चलाया, इंदिरा गांधी आवास योजना एक चलती थी, बाद में कन्वर्जन प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। इंदिरा गांधी आवास योजना के मकान आज तक नहीं बने, वो आज भी योजना तो ऊपर से बन गया, मकान सेंशन हो गया, आज चुका मकान बना नहीं है उसका। कौन जिम्मेदार है? जैसे मनरेगा आया, मनरेगा कौन चाहती है? वगैरह कांग्रेस के टाइम में मनरेगा, यूपी के शासन टाइम में मनरेगा आया, कौन छुआ, क्या हुआ? मनरेगा जो ऊपर से आती है वो सफेद आती है, वर्कर 400 है मगर जब ग्राउंड में आप देखेंगे तो मुश्किल 40 वर्कर काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जो लोग उसकी निगरानी करते हैं, पंचायत सचिव है, खंड विकास अधिकारी है और रोजगार शायद जिसको बोलते हैं, जिसको मनरेगा का जो कारोबार देखता है, क्या है? वो सब फेक है भाई। बायोमेट्रिक युवा खाते में पैसा आ रहा है तो सब फेक आ रहा है, किसके पास आ रहा है? जो सच्चे वो सारा वो दिख रहा है। तो मैंने कहा जो भी कोई योजना आती है चाहे किसी भी सरकार ने बनाई, मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों ने काम नहीं, काम हर कोई व्यक्ति करता है। अगर आप उस काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा देते हैं, लागू करा देते हैं, तो रिजल्ट मिलता है। तो सर क्या मैं ये मान लूं कि आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी योजना कहीं ना कहीं फेक फेक नहीं है? मैंने कहा कि उनको निरीक्षण और निगरानी सही तरीके से नहीं, उनका निरीक्षण और निगरानी सही तरीके से करने का, मतलब निगरानी नहीं हुई है लेकिन काम हुआ सही तरीके से। मैंने क्या कहते ना कि सावन के अंदर को सब हरा ही हरा दिखता है। सर आप जाइए ग्रामीण भारत देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और भारत आपको दिल्ली में और मुंबई में देखने से नहीं मिलेगा, ग्रामीण भारत जिसकी बात हर कोई व्यक्ति करता है, आप भी गाँव से हैं, मैं भी गाँव से हूँ और अन्य भाई भी गाँव से हैं, असली भारत तो गाँव में बसता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राथमिक जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, कृषि की स्थिति की चर्चा करते हैं, कृषि की चर्चा करते हैं, अभी मानसून का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो देश के अंदर 70% खेती आज भी मानसून के ऊपर निर्भर है। कहते हैं बिन पानी सब सून, अभी पानी की सबको दरखास्त है कि भाई पानी आएगा तो मानसून आएगा तो खेती की जुताई होगी, फिर खेती हो भी जाएगी, मगर क्या है, पानी नहीं है। उसका कारण क्या है कि नदियों को सही तरीके से जोड़ा नहीं गया। क्यों नहीं जोड़ा गया, कौन जिम्मेदार है बताएगा? अभी आपने देखा होगा चुनाव से पहले है, चुनाव के बीच में चर्चा आई कि भाई झेलम का पानी पाकिस्तान जा रहा है, अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? आपने उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? अरे आपका पानी तो आपको मिलना चाहिए, आपका एक्स्ट्रा पानी भी वहीं बह जा रहा है। मैंने कहा योजना को सही तरीके से लागू नहीं करना मुख्य समस्या का कारण है। अरे कहीं ना कहीं सरकारों का ही दोष रहा है योजनाओं। सरकार देखिए मैंने क्या कहा, सरकार ने को लगा हो सकता है कि हम इतना कर देंगे, इतना सक्षम है, उतना सक्षम नहीं होता है, तो अपना और क्वालिटी बढ़ाना चाहिए और लोगों की समस्या को ध्यान हो गया जी। आप किसी सरकार का दोष भी नहीं दे रहे हो और कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सही से हुआ भी है, तो आप अभी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई दल बनाए हैं या निर्दल लड़े हैं? जी पहले तो बात आप ये समझ लीजिए, मैं दोष नहीं दे रहा। मैंने कहा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, पत्रकारिता, आप अंगूर को सेब बना दें और सेब को आप अमरूद बना दें, ठीक है? मैंने ये कहा कोई भी सरकार जो योजना बनाती है उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। आप जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो सकता है आप उसमें एडिट करके कुछ और चला दें, उसमें कौन जिम्मेदार है? ये बात समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है जब तक चारों बॉडी का आपस में समन्वय नहीं होगा देश सही तरीके से नहीं चलेगा। और दूसरा रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव में भागीदारी करने का हक है। रहा दल, दल तो हम सब लोग मिलकर बनाते हैं, इंडिविजुअल भी लड़ सकता है। अगर आपके अंदर मादा है और आपको समाज की चिंता है, देश की चिंता है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, चार लोगों से समाज बनता है, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप भी, मैं भी लड़ता हूँ, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। नहीं सर आप तो चलिए, आपका चुनाव लड़ना तो अधिकार है, आप निर्दल भी लड़ सकते हैं, किसी दल से भी लड़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपका जो बयान आ रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल से आपका कोई संबंध बन सकता है। ठीक है, लड़ाई है विचारधारा की, आपका विचार
अगर मेरा विचार अच्छा होगा तो हो सकता है आप मेरे साथ भी कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है दल में कन्वर्ट हो जाए हम लोग। तो मैं तो एक विचार लेके चला हूँ जिसका हमारा मुख्य लक्ष्य है गांव का विकास, मेन है गांव। आप गांव का विकास करेंगे तो आप अपने आप आपका राइज करने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर है। प्राइमरी सेक्टर कमजोर है तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि शहर का विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल गांव का ही विकास? ये बंधु, पहले तो आप अपनी थोड़ा सा ना, वो जो अर्थव्यवस्था है वो तीन पैटर्न चलाते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर कमजोर है क्योंकि उसके मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। 70 साल में भी आपको एक अच्छा अस्पताल नहीं मिला है, एक अच्छी आंगनबाड़ी नहीं मिली है। आज मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जहां पंचायत घर आज तक नहीं बन पाया है। तो कौन सा पंचायती राज, कौन से बलवंत राय मेहता कमेटी? अरे आपने कमेटी तो बना दी पेपर में, मगर उसको ग्रामीण में इम्प्लीमेंट तो करिए भैया। प्रधान तो है, मगर प्रधान किसका पेट भर रहा है सभी को नहीं बोल रहा। फिर वहां मैं कह देता हूँ, एक जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह से एक गलत व्यक्ति पूरे राजनीतिक समाज को गंदा करता है। तो ये मान के चले कि आपका चुनाव लड़ना पक्का है? पक्का क्या, ये मैं कल जिंदा रहूंगा उसका भी पक्का नहीं है, कोशिश में नहीं। आप उस सतत प्रक्रिया में बने रहिए, लोगों के लिए आप संघर्ष करते रहिए, और जैसे कहते हैं दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक सामान्य संघर्ष करिए। कहते हैं ना जब आप पत्थर पर हिना जो घिसते हैं, कहते रंग लाती है, आप संघर्ष अनवरत संघर्ष रखिए, कभी ना कभी तो लहर आएगी। जब अभी वही तूफान आया जैसे आते आते, हो सकता है आप भी उसमें बह जाए लहर आज, तो संघर्ष आपको करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में अपने बयान दिया। देखा आपने जन संसद द्वारा आपको ये चीज मिला कि पूरे हर सरकारों के खिलाफ हर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें व्याप्त को लेकर के कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी है। पूरे देश घूमने के बाद सतीश मुखिया जी इन सारी समस्याओं को लेकर के सभी सरकारों को जवाबदेही ठहराते हुए खुद विधानसभा में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इनका उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो वो कहीं ना कहीं ये जीत कर विधानसभा में जाए। इसी के साथ आप सभी का स्वागत जनसंसद से दीना।